हेलो स्टूडेंट्स, एमडीसीएस और अदर इलेक्टिव ओपन बुक पेपर जो कि सीएस प्रोफेशनल के दो कंपलसरी पेपर्स हैं, उनके लिए हर बार लेक्चर कार्ड आपके लिए रेफरेंस गाइड्स लेके आता है। रेफरेंस गाइड का यूज कैसे करना है, रेफरेंस गाइड क्या होती है, ये तो आपको पहले से मैंने बहुत बार बताया हुआ है। और हर बार की तरह इस बार के भी अटेम्प्ट के लिए बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिखाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सारे स्टूडेंट्स को जिनने रेफरेंस गाइड का यूज किया और अच्छी तरह पेपर को अटेम्प्ट किया। ठीक है, अब आगे के लिए ऐसा है कि एमडीसीएस और अदर इलेक्टिव जो ओपन बुक पेपर हैं, कई बच्चे उसकी रेफरेंस गाइड की डिमांड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लेक्चर कार्ड पे बुक आउट ऑफ स्टॉक दिख रही है। आज हम उस कारण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर कार्ड को मैंने ये राइट्स दिए हैं कि वो मेरी रेफरेंस गाइड को सेल कर सके। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सिर्फ और सिर्फ लेक्चर कार्ड के पास ये परमिशन है कि वो रेफरेंस गाइड को हार्ड कॉपी फॉर्मेट में अवेलेबल कराए। पिछली बार कुछ स्टूडेंट्स ने सॉफ्ट कॉपी में इसकी डिमांड करी, मैंने बच्चों के लिए सॉफ्ट कॉपी को ओपन भी किया, ऐप के थ्रू आप तक उसको पहुंचाया, पर बहुत दुख की बात ये है कि बच्चों ने उसे शेयर कर दिया। शेयर करने से मुझे दिक्कत नहीं थी, गलत कॉपी शेयर करी। बहुत नाराज हूं मैं इस बात को लेके। कुछ बच्चों के मुझे पर्सनल कॉल्स आए जिनने मेरी इस दुख के लिए मुझे सहानुभूति भी जताई कि मैम हमें बहुत बुरा लग रहा है, हम अब समझे कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई, क्योंकि टेलीग्राम के चैनल्स पे स्क्रीनशॉट करके मुझे उन बच्चों ने भेजा और बताया कि देखिए मैम किस तरह से आपकी रेफरेंस गाइड को तोड़ मरोड़ के, गलत कुछ पन्ने हटा के, कुछ पन्नों को एडिट करके मार्केट में इस तरह से सर्कुलेट कर दिया गया। अब इसमें वो बच्चे जो दूसरे बच्चों का नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका कारण ये इंटेंशन क्या है मुझे ये नहीं पता, क्योंकि अगर आप किसी और का अगर नुकसान कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। तो इस बार से ये डिसीजन मैंने ले लिया है, इस जून 22 अटेम्प्ट के लिए मैंने रेफरेंस गाइड ओपन कर दी थी, पर फॉर दिसंबर 22 अटेम्प्ट मैं सॉफ्ट कॉपी में इस बार एक भी रेफरेंस गाइड अवेलेबल नहीं कराने वाली हूँ। जो बच्चे जागरूक है वो बच्चे पहले से ऑर्डर कर लेंगे, उन्हें हार्ड कॉपी मिलेगी, रीजनेबल प्राइस में मिलेगी, पर सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ उन बच्चों के एक्शन से, क्योंकि कुछ बच्चों के एक्शन से बाकी मासूम इनोसेंट बच्चों का नुकसान हुआ। दिस इज वेरी अनफेयर एंड वेरी बैड। आप सब कंपनी सेक्रेटरीज बनने वाले हैं, ये हमें प्रमोट नहीं करना है। ठीक है, पहला तो डेक्लेरेशन ये था कि आपको लेक्चर कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से ही आपको क्या मिलेगा, सारी रेफरेंस गाइड्स अवेलेबल कराई जाएंगी। अब वो आउट ऑफ स्टॉक क्यों है, इस पे बात कर लेते हैं। आउट ऑफ स्टॉक वो इसलिए है क्योंकि वो जून 22 अटेम्प्ट को करस्पॉन्ड करती थी बेटा। अभी जो दिसंबर 22 की रेफरेंस गाइड है वो अब तक लॉन्च नहीं की है मैंने, उसका कारण है, कारण है यहाँ पे। अगर आप अकेडमिक पोर्टल ICSI के अकेडमिक पोर्टल में जाते हैं तो देखिए अभी तक रिलेवेंट फॉर जून 22 सेशन के ही स्टडी मैट्स अपलोड हुए हैं। जब तक दिसंबर 22 के स्टडी मैट्स अपडेट नहीं करेगी ICSI, तब तक मैं आपको गलत रेफरेंस गाइड बना के आपसे पैसे लूटने का मेरा कोई इरादा इंटेंशन नहीं है। जब स्टडी मैट्स अपडेट होके ICSI के द्वारा अकेडमिक पोर्टल पे डाल दिए जाएंगे, मैं उसके अंदर 15 से 20 डेज के अंदर सारे रेफरेंस गाइड अपडेट करूंगी, क्योंकि रेफरेंस गाइड के नंबर बदल जाएंगे अगर आपका स्टडी मैट का नंबर बदल जाएगा तो। पिछले अटेम्प्ट में भी कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होती थी, बच्चे पुराना स्टडी मैट लेके बैठे होते थे और रेफरेंस गाइड रिलेवेंट होती थी जून 22 की, तो बेटा आपका पेज नंबर कैसे मैच करेगा, आपका पेज नंबर कब मैच करेगा, जब आपकी ICSI की स्टडी मटेरियल और आपकी रेफरेंस गाइड बिल्कुल उसी एक अटेम्प्ट को करस्पॉन्ड करती हैं। तो मैम अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मैम ऐसे में हम अपनी पुरानी स्टडी मैट को अगर लेके जाएं तो क्या बुराई है। बेटा बुराई है, क्योंकि हर अटेम्प्ट में कुछ क्वेश्चंस हटा दिए जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस कुछ नए ऐड कर दिए जाते हैं। तो जब क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं, जब कोई केस स्टडी हटा दी गई है, तो आपको ये समझना होगा ना कि आप पुरानी स्टडी मैट अगर लेके जाते भी क्योंकि वो आपके पास अवेलेबल है, पर ICSI तो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन पूछ रही होगी ना, तो फिर कैसे करेंगे। तो
पहला तो हमारा थम रूल ये है कि हम लेटेस्ट स्टडी मटेरियल इस्तेमाल करेंगे और लेटेस्ट रेफरेंस गाइड जो उस अटेम्प्ट को करस्पॉन्ड करती है उसका ही इस्तेमाल करेंगे, वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है। द मोमेंट ICSI अपने एकेडमिक पोर्टल में स्टडी मैट्स अपडेट कर देती है, वैसे ही मैं अपनी तरफ से तुरंत उसे अपडेट करके आपके लिए स्टॉक में ओपन करा दूंगी, ठीक है। और अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, कई बच्चों ने इस बीच में कुछ बैड वर्ड्स फैलाने की भी कोशिश करी, एज इन कहीं पे एक स्मॉल टाइपोग्राफिकल एरर था, छोटा सा। बच्चों ने क्या किया आपको पता है, कुछ जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि प्लांट किए गए हैं दूसरी कॉम्पिटिटर्स के द्वारा या दूसरे स्टूडेंट्स का नुकसान पहुंचाने के लिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे। जो एरर इज ह्यूमन, हम ह्यूमंस हैं, एक आध जगह अगर टाइपोग्राफिकल एरर है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी आपसे ये उम्मीद भी है कि आप उसे क्या करेंगे, चेंज कर लें। आप उस एक छोटी सी बात को लेके कि यहाँ पे आए के बदले ई आ गया, आप ये देखो कि वो रेफरेंस गाइड आपके लिए कितना बड़ा पर्पस सॉल्व कर रही है। बहुत खुशी हुई थी मुझे, एक स्टूडेंट ने अपने सक्सेस जर्नी में उसका AIR आया तो उसने रेफरेंस गाइड का इस्तेमाल करके बताया है, जबकि मैं जानती भी नहीं हूँ उस स्टूडेंट को। वो स्टूडेंट ने साफ साफ कहा है कि देयर इज नो पेड प्रमोशन, मेरा कोई इसमें फायदा नहीं है। उस बच्चे ने AIR लाया और उस बच्चे ने इस रेफरेंस गाइड का यूज करके बताया कि किस तरह से मैंने अदिति मैम की रेफरेंस गाइड जो कि आपको लेक्चर कार्ड पे मिल सकती है, कैसे मैंने उसे यूज किया और कैसे मैं उससे बेनिफिट हुआ, क्या मुझे फायदा हुआ उससे। उस बच्चे को आगे के लिए बहुत सारा कंग्रेचुलेशंस, बहुत सारी बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। और ये होता है एक अच्छा बच्चा, ये होता है जो सबके डेवलपमेंट और सबके भलाई के लिए सोच रहा है। तो हमें कुछ ऐसा बनना है, ठीक है। हमें ये बहुत छोटे मैटर को लेके या एक जगह पे आए के बदले ई आ गया है, ये सारी चीजों से बेटर आपको ये सोचना है कि वो रेफरेंस गाइड आपके लिए क्या ग्रेटर पर्पस सर्व कर रही है, ये सोचो, राइट। और इसी ग्रेटर पर्पस को सर्व करने के लिए क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेफरेंस गाइड के लिए बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। मुझे डेली बेसिस में बहुत सारे कॉल्स, मैसेजेस, मेल्स आ रहे हैं, मैं हर एक का जवाब प्रैक्टिकली पर्सनली नहीं दे सकती हूँ, टीम लेक्चर कार्ड इज एफिशिएंटली मैनेजिंग दैट ऑन माय बिहाफ, पर क्योंकि अब मेरे को लार्जर जनता तक पहुँचना है तो ये वीडियो का माध्यम ही है जिससे मैं आपके थ्रू आप तक पहुँच सकती हूँ, ठीक है। तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, लाइक करेंगे, बेल आइकन प्रेस करिए, पहले तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप कुछ कमेंट करके मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिए, नहीं तो आपको हमेशा पता है 777-388-9997 ये नंबर है जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल दी बेस्ट फॉर दी अपकमिंग पेपर, इलेक्टिव पेपर और ओपन बुक, इलेक्टिव पेपर और MDCS का टेंशन मत लो, रेफरेंस गाइड इज देयर जो आपको बचा ले जाएगी, राइट। तो वेट फॉर दी नेक्स्ट अपडेट, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग।